60 साल पहले एक युवक ने सपना देखा था एक स्वस्थ और निरोगी देश बनाने का। आज भी वो इसी सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ये न्यूरोथेरेपी के जनक यानी जन्मदाता हैं। अमृतसर में 23 अगस्त 1932 के दिन जन्मे डॉक्टर मेहरा जी को बचपन से ही सेवा करने का शौक था। इन्होंने नाड़ी विज्ञान और पौराणिक वेदों का काफी अभ्यास किया था, इसी के साथ मॉडर्न साइंस का भी अभ्यास किया। पुराने और नए तरीकों को अपनाकर डॉक्टर मेहरा ने एक नई तकनीक का निर्माण किया जिसे आज हम न्यूरोथेरेपी कहते हैं। जो उपचार वो करते थे उससे लोगों को फायदा होता गया और उनका नाम प्रसिद्ध होने लग गया। पंजाब से इस विद्या को लेकर ये मुंबई आए और यहीं से न्यूरोथेरेपी का प्रचार शुरू किया। इसी प्रचार हेतु इन्होंने थाने जिला में एक ऐसे आश्रम का निर्माण किया जहां मुफ्त सेवा की जाती थी। इन्होंने न्यूरोथेरेपी एकेडमी शुरू करते हुए देश भर के लोगों को न्यूरोथेरेपी की विद्या से अवगत कराया। आज पूरे देश में न्यूरोथेरेपी के 800 सेंटर्स और करीब 4000 थेरेपिस्ट कार्यशील हैं। हर एक दिन 25,000 पेशेंट्स और साल भर में 8 लाख से अधिक नए पेशेंट्स इन सेंटर्स में आते हैं। डॉक्टर मेहरा जी आज 80 साल की उम्र में भी न्यूरोथेरेपी को तराशने में लगे हैं। दृढ़ निश्चय, मेहनत और विश्वास से न्यूरोथेरेपी में नई नई खोज वो आज भी कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से न्यूरोथेरेपी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। 25 साल पहले मैं डॉक्टर मेहरा जी से मिली थी और इस अद्भुत और चमत्कारी विद्या के बारे में जाना था, तब से मैं इस कार्य में जुट गई। मैं करीब 13 सालों से इस चिकित्सा पद्धति में काम कर रहा हूँ। गुरु जी के साथ काम करते हुए मुझे 13 साल हो गए। मैंने इन 13 सालों में कई प्रकार की बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। न्यूरोथेरेपी एक भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा है जिससे शरीर की छोटी से छोटी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर कैंसर, एचआईवी तक के इलाज होते हैं। हमारे शरीर के अंग यदि ठीक से कार्य ना करें तो उनसे बनने वाले एंजाइम्स, केमिकल या हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे, तब उस कमी के कारण शरीर में बीमारी आएगी। न्यूरोथेरेपी में एक प्रकार का प्रेशर देकर इन ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है। धीरे धीरे इनका कार्य सुचारू रूप से होने लगता है और ये ऑर्गन्स शरीर की जरूरत के अनुसार केमिकल, हॉर्मोन्स या एंजाइम्स बनाने लगते हैं। शरीर के अंदर हर प्रकार की दवाई होती है, सिर्फ उसे सक्रिय यानी कि एक्टिव करने से वो बनने लगती है। यह चिकित्सा पद्धति पूर्ण तरह से विज्ञान पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति में हम लोग जगह जगह पर साइंटिफिक तरीके से दबाव देते हैं और उस दबाव की वजह से हमारे शरीर के ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, जूसेस सिक्रेट होते हैं। हमारे शरीर में सुरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम होता है जो किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट से हमारे शरीर की रक्षा करता है। यदि ये सिस्टम कमजोर हो जाए तो हम बीमार ही रहेंगे, पर न्यूरोथेरेपी द्वारा इस सिस्टम को मजबूत करके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर को अच्छा भोजन और अच्छा वातावरण मिले तो हम अपनी पूर्ण क्षमता से काम करते हैं, उसी तरह हमारे अंदर के सेल्स को अगर अच्छा वातावरण और अच्छा न्यूट्रिशन मिले तो वो भी अपनी पूर्ण क्षमता से काम कर सकते हैं। हमारी न्यूरोथेरेपी की एक खूबी है कि वो हमारे अंदर के सेल को अच्छा वातावरण और न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक और खास बात, न्यूरोथेरेपी में कम पैसों में बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं, ऑपरेशन तक टल सकते हैं, किसी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं होता और यदि दवाइयों का भी दुष्परिणाम किसी को हुआ हो तो उसका असर भी न्यूरोथेरेपी से कम हो सकता है। न्यूरोथेरेपी
यह चिकित्सा पद्धति एक अनुपम चिकित्सा पद्धति है जिसका कोई साइड इफेक्ट, दुष्परिणाम या नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है। यह एक 100% वैकल्पिक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है और जो बहुत अच्छे से सभी बीमारियों पर काम कर रही है। जब भी हम बीमार होते हैं या हमको कोई भी तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के अनुसार दवाइयां खाते हैं, जिससे कुछ समय बाद हमारे शरीर का वो हिस्सा तो ठीक हो जाता है, पर उन दवाइयों में इस्तेमाल केमिकल से हमारे शरीर के बाकी पार्ट्स में नेगेटिव असर होता है और फिर वो भी कुछ समय बाद अपना काम करना कम या बंद कर देते हैं और हमको फिर से दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। मिसेस कमलेश चौहान ने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा न्यूरोथेरेपी को सीखने और अन्य लोगों को सिखाने में लगा दिया। उन्होंने अभी तक 300 से ज्यादा फ्री कैंप्स में हिस्सा लिया और संचालित किया। प्रचार प्रसार के लिए मैंने विकास फाउंडेशन की स्थापना की। आज मेरे 3 क्लिनिक हैं, वर्सोवा, वाशी, लोखंडवाला। मैं न्यूरोथेरेपी शिक्षण भी देती हूँ। पिछले 10 साल से मैं न्यूरोथेरेपी पढ़ाती हूँ और उसमें 101 स्टूडेंट तैयार हो गए जो बहुत सक्सेसफुली ट्रीटमेंट देते हैं, क्लिनिक चलाते हैं। न्यूरोथेरेपी के प्रमोशंस का काम विकास फाउंडेशन 10 सालों से कर रहा है। इस चमत्कारी चिकित्सा पद्धति का लोगों को प्रशिक्षण देना, उन्हें न्यूरोथेरेपी के प्रति प्रेरित करना, नए नए न्यूरोथेरेपी सेंटर्स खुलवाना, ये सारा कार्य विकास फाउंडेशन कर रहा है। भारत के अलग अलग प्रांतों में फ्री कैंप्स लगवाना, सेमिनार में जाना, लोगों को न्यूरोथेरेपी से जोड़ना, ये कार्य विकास फाउंडेशन में होते रहते हैं। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स और 2 दिन का भी क्रैश कोर्स विकास के सौजन्य से मुंबई में चल रहा है। गरीब विद्यार्थी, औरतें, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे, वृद्ध लोग, इनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये न्यूरोथेरेपी में कुछ क्रॉनिक पेशेंट होते हैं जिनका इलाज सभी विद्याओं में, एलोपैथी, होम्योपैथी में हाथ उठा दिख चुके होते हैं, वो भी सफलता से ट्रीट होते हैं। छोटी छोटी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी से लेके कैंसर, HIV तक का इलाज होता है। अविनाश यादव के माता पिता यूपी से मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए मुंबई आए, जिसका आज भी कोई ठोस इलाज नहीं है। इस बीमारी की वजह से अविनाश अपनी सामान्य जिंदगी भी नहीं जी पा रहा है। मेरा लड़का 1.5 साल से बीमार है, उसको मैं कई जगह इलाज कराया, डॉक्टर ने बोले इसका कोई इलाज नहीं है। तो 9 महीना के पहले इसको बुखार आ गया, उसी मेरा लड़का चलना बंद कर दिया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये लाइलाज है और इसमें मसल्स डीजनरेट हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे मसल ख़त्म होते जाते हैं। बच्चा चलते चलते गिरने लगता है, उसके बाद वो बैठ जाता है, देन वो बेड पे आ जाता है और 14-15 साल की उम्र में उसकी डेथ हो सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए आज तक रिसर्च चल रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी इलाज आज तक मिला नहीं है और इन्हें न्यूरोथेरेपी एक वरदान के रूप में मिली। मैं इधर लेके आई, न्यूरोथेरेपी करवाने लगी तो सारा बहुत फ़ायदा हो गया इसको। ये हाथ पैर सब हिलाने लगा, इधर उधर करने लगा, दीवार के सपोर्ट से इसको खड़ा कर दो तो खड़ा हो जाता है, इधर से उधर हो, इस चेयर पर से उस चेयर पर भी हो जाता है। ये न्यूरोथेरेपी मैं फ्री में करवा रही हूँ। ज़वेरी एक कामयाब आर्किटेक्ट, पर वो पिछले 1.5 साल से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिससे उनके हाथों की शक्ति कम होती जा रही है और वो बीमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं विठल ज़वेरी आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनर हूँ। करीब 1.5 साल पहले मुझे हाथों में कुछ तकलीफ होने लगी, लेफ्ट हैंड साइड में नमनेस आने लगी
और मसल्स भी डाउन होते गए और पकड़ने की पावर कम होती गई। बाई साइमल्टेनियसली राइट हैंड साइड के अंदर भी अंगूठे में दर्द काफ़ी बढ़ने लगा और मुझे बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग होने लगे। इनके दोनों हाथों में नमनेस और पेन है और इनके मसल डीजनरेट हो रहे हैं, यानी हाथों के मसल खत्म हो रहे हैं। इस बीमारी को कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं और डॉक्टरों ने इन्हें ऑपरेशन की सलाह दी थी। ये ऑपरेशन के लिए इन्होंने डेट भी फिक्स की हुई थी, लेकिन उसके पहले ये न्यूरोथेरेपी में आ गए। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बताया कि इनके इसके लिए आपको ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मुझे हेजिटेट हुआ, फिर मेरे एक मित्र के थ्रू न्यूरोथेरेपी सेंटर के बारे में मुझे पता चला और मैंने न्यूरोथेरेपी सेंटर का विजिट लिया। वहाँ का थेरेपी समझने के बाद मुझे कुछ विश्वास पैदा हुआ और मैंने इमीजिएटली थेरेपी सिस्टम शुरू किया। करीब करीब 60 न्यूरोथेरेपी सिस्टम लेने के बाद में मुझे लेफ्ट हैंड साइड में नमनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई। अभी थोड़ी मसल्स भी गेन होने लगी, कुछ उठाने के लिए ताकत भी आने लगी। साइमल्टेनियसली राइट हैंड साइड के अंगूठे में भी करीब करीब 60-70% मेरे दर्द भी कम हो गया और नाउ आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। अने जब तक मेरे को 100% क्योर नहीं हुआ था, आई विल कैरी ऑन विद दिस न्यूरोथेरेपी सिस्टम और मैंने ऑपरेशन कराना का बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया। जी, मेरा मोहम्मद तशरीफ नाम है, मैं कुल्ला डिपू का रहने वाला हूँ। मुंबई के रहने वाले मोहम्मद तशरीफ को स्लिप डिस्क की वजह से नर्व कंप्रेशन हो रहा था, जिसका डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं था। इसकी वजह से उनको अपने काम छोड़कर घर पे बैठना पड़ा। बहुत परेशान था मैं, 8 साल से मेरा कमर दर्द कर रहा था पीछे, और जब अचानक दर्द करते करते फिर हमने अचानक दो दुकान के सामने खड़ा था, फिर अचानक छींक आया, ये 3 नस दब गया। 3 नस दबने के बाद में हमने डॉक्टर के अगासे के पास गया, उन्होंने हमको MRI कराने को बोला। MRI कराने के बाद हमने बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान। एकदम दोस्त ने बताया है कि यहाँ एरोथेरेपी, मतलब वहाँ जाओ ठीक हो जाएगा। तो हमने पहला चक्कर कराया, दूसरा कराया, यानी 4-5 दिन मेरा कोई आराम नहीं हुआ। 7वें दिन मेरे को आराम पड़ने लगा, आराम होते होते अभी मेरे को कुछ नहीं, एकदम आराम हो गया, मेरा पैर एकदम सही है। इस चिकित्सा पद्धति का एक बहुत अच्छा फ़ायदा यह भी है कि बीमार होने के बाद ही इस चिकित्सा पद्धति का अनुभव लेना उससे अच्छा है कि आप इसे प्रिवेंशन के तौर पर भी अपना सकते हैं। जिस तरह हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रोज योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और बीमारियों से दूर रहे। यह चिकित्सा पद्धति सीखने में भी बहुत आसान है, आप इसको बहुत आसानी से सीख भी सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। आप एक रोजगार के रूप में इसको अपना सकते हैं। न्यूरोथेरेपी कमाई का भी बहुत अच्छा जरिया है। इसे सीखकर लोग प्रोफेशनल बन सकते हैं और सेंटर खोल सकते हैं। कमाई के साथ साथ नाम और प्रसिद्धि भी मिलती है। समाज और देश की सेवा भी इसके कारण हो सकती है। जिम और योगा शरीर को निरोगी रखने में मदद करते हैं, उसी प्रकार न्यूरोथेरेपी भी हमारी रूटीन लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है, यहाँ तक कि आने वाली बीमारियों के बारे में पहले से ही जान सकते हैं। हाल ही में हमने एक नया प्रयास किया है। एडिलिया कैसिनो जी, जो पेटल सैलून के ओनर हैं, उनके साथ मिलकर हमने ब्यूटी ट्रीटमेंट के साथ साथ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट की है। पिगमेंटेशन, पिंपल्स, डार्क सर्कल, वेट लॉस, हेयर फॉल और डेंड्रफ की ब्यूटी ट्रीटमेंट के साथ साथ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करने से बहुत फायदा होता है। आज ज़्यादातर जो भी ब्यूटी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह शरीर के अंदर की गड़बड़ी है। शरीर और शरीर के अंदर की गड़बड़ी को न्यूरोथेरेपी बहुत आसानी से ठीक कर सकती है। न्यूरोथेरेपी के द्वारा आज लाखों लोग एक मुस्कुराती स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं और न्यूरोथेरेपी की टीम हमेशा इसी प्रयत्न में लगी रहेगी कि हर साल और ऐसे कई अन्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाए। अगर आपके आसपास कभी आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसकी बीमारी लाइलाज हो, तो ये याद रखिए कि शायद न्यूरोथेरेपी के इलाज से वो एक सामान्य खुशहाल जिंदगी जी सकता है।
न्यूरोथेरेपी इज अ कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन।